वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन का फुल कोर्स के बारे में, और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर होगा हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम। आप टैली प्राइम को अपने पीसी में कैसे डाउनलोड करेंगे, यह वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं टैली प्राइम को डाउनलोड करने में, आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए, सारा चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो इसलिए भैया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और यह पूरा आपको चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन रहता है कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं टैली कर पाऊंगा, साइंस का हूँ तो क्या मैं टैली कर पाऊंगा, क्या मैं 12th पास हूं सिर्फ या 10th पास हूं तो क्या मैं टैली कर पाऊंगा। तो मैं बता दूं आपको कि आप कुछ भी पढ़े हो टैली कोर्स बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, बस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स के बारे में, वो भी मैं सिखा दूंगा। तो वीडियो को बेहिचक आप लोग शुरू से आखिरी तक देखिए, अपना सपोर्ट बनाइए, आपको बस इतना ही तो सपोर्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, बस इतना ही आपसे हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हम आपके लिए कोर्स भी लाते हैं, मैं बता दूं कि ये जो मेरा कोर्स है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, प्लस अगर आप चाहते हो कि हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट आपको मिले आपके घर पे स्पीड पोस्ट से, जिसको आप सरकारी या प्राइवेट कहीं पर भी अपनी जॉब में लगा सकते हो, तो उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके कोर्स को देख भी सकते हो, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं बता दूंगा। पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपको फ्री में वीडियो मिल रही है यूट्यूब पे, उसको आप अच्छे से देखो, बाकी आप पेड हमारे कोर्स को 499 में करोगे तो उसका प्रोसेस अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लस आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे टैली को कैसे हमको डाउनलोड करना है, ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन हो चाहे आपका ओल्ड वर्जन हो, तो हम दोनों बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम तो आपको सिखाने वाले हैं लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि भाई जमाने के साथ अगर आप नहीं कन्वर्ट हो पाओगे तो पीछे रह जाओगे और नई नई चीज़ों को नहीं देख पाओगे और अपने काम को आसान भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लेटेस्ट चीज़ों के पीछे आप भागिए, न कि पुरानी चीज़ों के पीछे भागिए, जैसे कोई नया चीज़ आता है तुरंत आप उसको देखना चाहोगे। तो फिर आइए हम लोग अपने पीछे पे चलते हैं, यहाँ पे आपको मैं टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करना बताना। आप सिंपल से आप अपने गूगल में जाइए, किसी भी ब्राउजर को खोल लीजिए, वहाँ पे आप गूगल में टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना tallysolution.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है टैली सॉल्यूशन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ऊपर यहाँ पे देखिए लिखेगा ना डाउनलोड का ऑप्शन, मैं यहाँ पे जूम करके भी दिखा दूंगा आपको, ये देखो है ना डाउनलोड, ध्यान से देखना। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। आपको जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो आपके सामने देखो टैली प्राइम 3.0 टैली प्राइम यहाँ पे आ गया है। चूज दिस फॉर एडिट लॉग एक्टिवेटेड परमानेंटली बेटर इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आता है कि यार मुझे ओल्ड वर्जन भी चाहिए, ठीक है, मतलब इसके पीछे कभी कभी कुछ लोगों को टैली ERP 9 की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं बता दूँ आपको कि अगर उसकी जरूरत पड़े तो आप सिंपल से नीचे आना और यहाँ पे मिलेगा डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, ठीक, आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे टैली का जो यहाँ पे आ जाएगा ये बॉक्स, स्टार प्रीवियस वर्जन को क्लिक करना है। अब देखो टैली प्राइम के जितने वर्जन मिले थे आपको 2.1 कब लॉन्च हुआ था, सारे 2.0 1.1.4 इस तरह से आपको टैली प्राइम के मिल जाएंगे, और इसी में टैली ERP 9 का सारा वर्जन भी मिल जाएगा, देखो, ठीक है। टैली ERP 9 आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये लास्ट वर्जन उसका मैं दिखाता हूँ आपको, टैली प्राइम ERP 9, जब प्राइम के पहले 6.6.3 ये लास्ट वर्जन था इसका 13 जुलाई 2020 को यह, और उसके बाद आपके यहाँ पे आ गया टैली प्राइम 2021 में, कब आ गया 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो जब से यह आपका डेटा कन्वर्जन ERP 9 सारा यहाँ पे वर्जन दिया था। फिलहाल में हमको यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, हम बैक जाते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है 3.0 को डाउनलोड करना। सिंपल से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे सेटअप इसका क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा आपका समय लगने वाला है यहाँ पे, और ये सेटअप आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे ही रेडी होगा मैं आपको इसको इंस्टॉल करना बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आप सो फोल्डर कर लेना इसको यहाँ पे, और
यहाँ पे आप इंटर कर देना, ठीक है, पीसी में अपने। चलो भाई अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें, अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन टेली प्राइम सेटअप मैनेजर एप्लीकेशन टेली प्राइम 3.0 सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम। अब कह रहा है कि यह जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा आपका सी ड्राइव में डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कन्फिगर का है, मोर ऑप्शन है, इंस्टॉल का है, ठीक है, तो हमको इंस्टॉल करना है। लेकिन उसके पहले मैं कन्फिगर को बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूछ रहा है यहाँ पे टेली प्राइम का आपका यह सी में क्या होगा जाएगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट बनाना चाहते हो ना, तो डेस्कटॉप पे आप एक शॉर्टकट है वहां से भी ओपन कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी दिख रहा है डेस्कटॉप शॉर्टकट की, और उसका नाम क्या है आपका यहाँ पे टेली प्राइम। आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप नाम को चेंज भी कर सकते हो, ध्यान देना आप नाम को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चेंज नहीं करना है। स्क्राइप से पीछे आ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट मेनू एंट्री आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल मुझे चाहिए स्टार्ट मेनू एंट्री नेम टेली प्राइम, ठीक है। तो हम फिलहाल में इसको यहाँ से हटाते हैं, हमको ये रहेगा। अब मोर ऑप्शन पे आते हैं, मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल न्यू सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, कोई आपके पास नहीं है तो आप उसको भी ले सकते हो, या किसी ड्राइव में कोई नहीं है आपका तो उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ला सकते हो, किसी अपने ड्राइव से भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पहले से कंपनी आपकी बनी है टैली की तो, ठीक है उसको है। आप कहोगे मतलब नहीं, तुझे प्राइम है ना, प्राइम ये आप प्राइम सीख रहे हो, ईआरपी 9 भी आपके पीसी में है, तो आप चाहते हो दोनों में चलाऊं तो आप उस कंडीशन में दोनों को चला सकते हो, उसको अलग ड्राइव में, इसको अलग ड्राइव में, ठीक है। फिलहाल हमको इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करो, अब कह रहा है यहाँ पे टैली प्राइम आपका जो है सी प्रोग्राम फाइल में ये क्या हो रही है आपकी टैली इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। आपके मन में सवाल भी होगा यार कि सर हमारे पास पीसी तो 2 GB है तो भी चला लोगे, 4 GB है तो भी चला लोगे, लेकिन अगर 8 GB तो ही मक्खन की तरह चलेगा। अब बात आते हैं विंडो 10 रहना चाहिए तो ज़्यादा बेटर, अगर 7 है तो 32 GB 64 BIT होना चाहिए कम से कम, और i3 है तो और बढ़िया है, नहीं तो डुअल कोर 64 BIT होना ही चाहिए आपका पीसी, ठीक है। ऑफिशियल साइट पर चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये देखो टैली प्राइम आपका क्या हो गया यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो गया। अब ये जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अलाउ एक्सेस, मतलब हमारे पीसी में आपको पता है ना एंटीवायरस है तो किसी भी चीज़ को। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया एप्लीकेशन, जो भी अलाउ आया था वो शायद आप में ना आए क्योंकि वो एंटीवायरस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्टअप टैली प्राइम विल स्टार्ट विथ द फॉलोइंग सेटिंग, क्लिक कन्फिगर टू चेंज द सेटिंग, ठीक है। कंट्री आपकी इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका अदर है। अब कर रहा है कंपनी डेटा पाथ, ये जो आप टैली प्राइम में काम करोगे कहाँ पे सेव होगा पूरा डेटा, तो सी में जाएगा। यूजर पब्लिक नाम की एक फाइल होगी जिसमें टैली प्राइम डेटा का एक फोल्डर होगा, उसमें जाके यह सेव होगा, इस नाम से फोल्डर आपका होगा उसमें जाके। अब आप इसको कन्फ्यूजर में जाके चेंज भी कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, आप यहाँ से उसका पाथ चेंज भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन मुझे करना नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बैक आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे वेलकम टू टैली प्राइम, अब आपका जो मेन इंटरफेस आ गया है यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल यूजर लाइसेंस फॉर नेटवर्क रिलेटिव एग्जिंग लाइसेंस एक्टिव न्यू लाइसेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि अगर लाइसेंस लेना है टैली प्राइम का तो आप कंपनी जो थी लाइसेंस लेके चलाती है ना, तो न्यू एक्टिव न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। रीएक्टिव एग्जिंग लाइसेंस आपको करना है, यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क करना। आप देखो यह 18-19 हज़ार का आपका आता है, टैक्स लेके 20 हज़ार का पड़ जाएगा, तो आप इसको ले सकते हो। इसको लोगे भैया गोल्डन प्लान को, तो जाहिर सी बात है कि आपको कम से कम 60-70 हज़ार पे करना होगा, उसके बाद आपको एक ही नेटवर्क में 10-15 पीसी में आप कनेक्ट करके चला सकते हो, ठीक है। लेकिन सिल्वर में क्या होता है आपको एक ही पीसी में, फिलहाल हमको इन सबसे कोई जरूरत नहीं, हमको लेना है यहाँ पे। अब अंतर क्या है कि इसमें सारे फीचर्स इसके मिल जाएंगे, बस डे बाई डे आप एंट्री नहीं दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 2, 3, 4, 5 हर डेट की एंट्री दिखानी है तो नहीं, स्टार्टिंग का और लास्ट का आप दिखा सकते हो, तो मुझे उतने की जरूरत है डे बाई डे यहाँ करना नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए हमको सीखना है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है।
तो आपको यहाँ पे ट्राई फॉर एजुकेशनल मोड पे करना है। आप ईआरपी 9 में भी एजुकेशनल मोड पे चलाते थे। अब ये टैली का पूरा इंटरफेस आपके सामने, जब आप पहली बार टैली इंस्टॉल करो तो इस तरह क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, ठीक है, स्पेसिफिक पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है। कहीं से आप पास से भी या किसी अलग ड्राइव में भी आप डेटा रखे हो, अलग अलग कंपनी अलग अलग ड्राइव में रखे हो, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। अब हमारे डेस्कटॉप पे टैली का शॉर्टकट बन गया ना, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। देखो इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं फिर एक बार ओपन करके दिखा दिया, मैंने टैली बंद कर लिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, डेस्कटॉप से टैली प्राइम को मैंने क्या किया, ओपन कर लिया। अब देखो ओपन हो गया। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया ना इस तरह से। अब यहीं पे देखो आप जो कंपनी बनाओगे भाई, आपको यहीं पे दिखाने लगे, उसकी लिस्ट दिखाने लगे, तो आप यहीं से कंपनी जितनी भी बनी रहेगी आप यहाँ पे दिखेगी। अब कंपनी कैसे बनाना है, उसमें काम कैसे करना, सारा चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।